आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर तीखा हमला बोला। अनिल विज ने चन्नी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चरणजीत चन्नी जैसी सोच रखने वालों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर पलटवार करते हुए विज बोले कि पांच साल से पंजाब में कांग्रेस का राज है। राहुल गांधी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने राज में पंजाब में नशे को रोकने के लिए क्या किया। विज ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का राज है, राहुल गांधी जी को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राज में नशा को रोकने के लिए क्या काम किया। नशे का कारोबार तो कांग्रेस के राज में बड़ा, रेत माफिया का राज कांग्रेस के राज में बड़ा, लैंड माफिया का राज कांग्रेस के राज में बड़ा, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पंजाब की जनता सियानी है, गुरुओं की धरती के लोग हैं, ये सच अच्छी तरह से पहचानते हैं और सब कुछ जानते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के तानाशाही सोच को दर्शाता है। लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता, जनता का अपने विधायक पर, विधायकों का अपने मुख्यमंत्री पर सदर असर रहता है। लोकतंत्र बना ही इसी आधार के ऊपर है, चेक एंड बैलेंस के फार्मूले पर लोकतंत्र बना है। हर कदम के ऊपर एक दूसरे का असर रहता है, दबाव रहता है। इसलिए ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को तो चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए।